बहुत बहुत स्वागत है आज जो भी स्टीम्ड गेस्ट हमारे पास हैं आशुतोष जी एंड सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रांगण में पत्रकार बनने से भी ज़्यादा ज़रूरी है है एक अच्छा इंसान कैसे बनना है? तो मुझे लगता है आज का सेशन आपके लिए बहुत अलग है एंड थैंक यू सो मच आनंद जी जिन्होंने इस तरह के सेशन को रखा एक सीरीज को रखा जिसमें अलग अलग तरह के व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होगी पत्रकारिता अपने मूल चरित्र में व्यवस्था के खिलाफ होती है अपने मूल चरित्र में आदर्शवाद से जुड़ी होती है ये उस समय की बात कर रहा हूँ आज भी है अगर केवल एसी में बैठकर हमें कुछ बड़ी काम करने थे तो हम में से कुछ लोग एमबीए में, जा, में जाते हैं कोई एमसीए करता कोई ऐसे जा कॉरपोरेट में जाते हैं हम लोग वो सब छोड़कर हम पत्रकारिता में आए हैं क्यों आए हैं इसलिए कि हमें कुछ करने की इच्छा है अगर सच के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसके लिए हमें लड़ने की इच्छा है हमें अपनी बात कहने का अधिकार व्यक्त करने का साहस है इसलिए हम पत्रकारिता में ये तब भी था आज भी है पत्रकारिता में लोग आज भी लड़ रहे हैं तथ्यों के लिए सूचनाओं के लिए आदर्शों के लिए और इसलिए पत्रकारिता ज़िंदा है पत्रकारिता कभी नहीं मरेगी बहुत आज से पंद्रह साल बीस साल पहले जब टेलीविज़न आया था तब भी लोग कह रहे थे अखबार मर जाएंगे अब तो टीवी आ गया आजकल कहते हैं वो ओटी टी आ गया टी वी की जमाना चला गया कुछ नहीं जाने वाला है पत्रकारिता में जब तक ईमानदारी बाकी है पत्रकारिता पत्रकार की पत्रकारिता मरेगी नहीं पत्रकारिता अपना स्थान बनाए रखेगी जो जीवन में दोषों को समाप्त कर देता है उसको ज्ञान कहते हैं देखिए जानकारी अलग चीज है हम जानते कितनी चीजों को वो अलग हम जीते कितनी चीजों को वो चीज अलग है जो जीना है वो ज्ञान है तो आप जब ऐसा जीवन जीते हैं जो आपको अपनी नज़रों में हीरो बना देता है यानी दुनिया की नज़रों में आप बने ना बने अपनी नज़रों में अगर आप हीरो होते हैं तो वो हीरो बनाने वाली जो चाबी है आज आशुतोष जी भाई सब ने आपको दी है इसको ध्यान से रखिए गाड़ी में मत छोड़ दीजिएगा ये सत्तरवीं मंजिल तक काम आएगी